हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हमारा आप सभी के लिए, अनवेकन डीएम जो होते हैं वो क्या सोचते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में। दोस्तों, आज का ये स्पेशल और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए है, जो डिवाइन मास्कुलिन अनवेकन होते हैं वो अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोचते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उनका क्या नज़रिया होता है अपनी फेमिनिन की तरफ देखने का। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो सभी के कलेक्टिव स्टोरीज़ के ऊपर बनाया जा रहा है, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम की अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज़ होती है जो उनके कर्मा के और उनके कार्मिक अकाउंट के आधार पर चलती है। लेकिन भले ही कहानियाँ सबकी अलग अलग हो, लेकिन इस जर्नी के स्टेजेस सभी के लिए एक ही होते हैं। और वो स्टेजेस क्या होते हैं, इसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी का ये वीडियो हमारे डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर स्पेशल है। तो चलिए, आज के हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन एक ऐसी सुंदर परी होती है जो अलग ही स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया से आई हुई होती है। एक सुंदर परी जैसी रानी होती है जो किसी अलग दुनिया से ही आई होती है। वो दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया होती है, जहाँ स्पिरिट आत्माएं यानी दिव्य आत्माओं का निवास होता है। स्पिरिट वर्ल्ड यानी उन दिव्य आत्माओं की दुनिया जो हमारे कल्पना के परे होता है। वहाँ के जगत के बारे में कभी हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। उतनी शांति, उतनी प्योरिटी और उतनी ही होनेस्टी उस जहाँ में होती है। चारों तरफ से निर्मलता की नदियाँ और शांति की हरियाली बहती रहती है। और ऐसे जगत की एक परी अपने साथी को ढूंढने के उद्देश्य से इस धरती पर जन्म लेती है, और जिस जन्म में उनका मिलन निश्चित होता है, उस जन्म में ईश्वर के अनुमति से उसे अपने साथी के सामने लाया जाता है। वो दिव्य स्त्री इतनी ज़्यादा निपुण होती है अपने गुणों में कि उसकी तुलना धरती पर साधारण स्त्रियों में से नहीं की जा सकती है। उसके अंदर से राग, द्वेष, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, इन जैसे गुणों का कोई भी स्थान नहीं होता है। वो बस अपने साथी के खोज में ही लगी रहती है कि कब वो उसके सामने आ जाए और कब वो उसे मिल जाए। बस इसी की तलाश में वो रहती है। और इस दौरान उसे बहुत सी परिस्थितियों का सामना, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वो समस्याएं इतनी ज़्यादा कठिन, इतनी ज़्यादा हद तक जानलेवा हो सकती है, जिसमें उसको असफलता भी मिल सकती है और वो अपने जीवन का विनाश भी देख सकती है। लेकिन फिर भी ईश्वर का दिया हुआ वचन उसके सामने रहता है, और वो वचन भले ही उसको याद ना हो, लेकिन फिर भी उसकी अंतर आत्मा में उन स्मृतियों का आभास उसे रहता है, जिसे वो भले ही जान ना पाए, लेकिन उन स्मृतियों का आभास उसको अपने अंतर मन में ही होता है कि वो किस लिए इस धरती पर जन्म लेकर आई है। और वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने उस राजकुमार तक आखिर में पहुँच जाती है जिसके लिए वो इस धरती पर जन्म लेकर आती है। उसकी खोज की तलाश में वो अपना सब कुछ खो देती है। वो अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर देती है। और ये सभी फेमिनिन के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत से फेमिनिन का अपना 3D वर्ल्ड का जीवन यानी उनकी सांसारिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जहाँ पर उनके घर के प्रियजनों के द्वारा या फिर उनके घर के सदस्यों के द्वारा या फिर उनके ही अपने पतियों के द्वारा उनका बहुत सा शोषण किया जाता है, क्योंकि उसकी परीक्षाएं ही इतनी कठिन होती है कि उन परीक्षाओं में सफलता मिलने के बाद ही उसके जीवन में उसके ट्विन फ्लेम का आना मंजूर होता है। और वो परीक्षाएं उनके कर्मा और उनके कार्मिक लेन देन पर निर्भर होती है, जो उनके अगले या पिछले जन्म के हिसाब किताब होते हैं। तो ऐसी कठिन परीक्षाएं पास करने के बाद उसे अपने उस ट्विन फ्लेम से, उस आत्मा से मिलवाया जाता है जिसकी तलाश में वो आई हुई थी। और उसके बाद शुरू होती है उनकी ये जर्नी, उनकी ये प्रेम कहानी। एक 5D वर्ल्ड की रानी होती है जो एक दिव्य स्त्री कहलाती है, जिसे हम डिवाइन फेमिनिन के स्वरूप में जानते हैं। और वो डिवाइन फेमिनिन इसलिए होती है क्योंकि वो ईश्वर का संदेश लेकर ही इस धरती पर आती है, और वो अपना संदेश अपने उस दिव्य पुरुष को देना चाहती है जो उसी का आधा हिस्सा होता है। और उसका वो संदेश अन्य भी लोगों के लिए होता है जो उसके प्रियजन होते हैं, जो उसी के ही कुछ खास लोग होते हैं जिनको सोलमेट भी कहा जाता है।
जिनको वो स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया से पहले से ही जानती थी। जब बहुत सी समस्याओं का सामना करने के बाद ये दिव्य शक्ति अपनी दिव्य पुरुष से मिलती है, तो ये दोनों आत्माएं सदियों से हजारों से मिलने वाले उस आनंद का अनुभव करती है और वो उस आनंद में कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए खो जाते हैं और वो भूल जाते हैं अपने पूरे जहां को और अपने ही आनंद में वो लीन हो जाते हैं। लेकिन नियति का खेल कुछ अलग ही होता है। ये बात शायद दोनों में से कोई नहीं जान सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात का अंदाज़ा दोनों को भी होता है कि अब फिर से उन्हें एक बार बिछड़ना पड़ सकता है। लेकिन वो निश्चिंत रहते हैं। इन दोनों में जो दिव्य आत्मा जागृत होती है वो ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन हो सकती है। उसको अपने जुड़वा आत्मा को पहचानना मुश्किल नहीं होता है, इसीलिए वो अपने जुड़वा आत्मा को देखते ही शॉक हो जाती है, रोने लगती है या खुशी से पागल हो जाती है या उसे पाने के लिए छटपटाने लगती है, क्योंकि वो तुरंत अपने साथी को पहचानती है कि ये वही है जिसकी तलाश में वो इस धरती पर आई है और अब मुझे बिना कोई देरी किए इसे सब कुछ बताना है और अपने साथ लेकर जाना है उस जहां में जहां से वो दोनों आत्माएं आई थी। उस स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में वो अपने साथी को लेकर जाने के सपने बुनने लगती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती है कि जिस जहां से वो आई है वो जहां इस धरती के लोगों के लिए बिल्कुल अपरिचित है। उस जहां में जीते जी कोई कदम नहीं रख सकता है। वो जहां सामान्य मनुष्य के लिए बिल्कुल सोचने के परे है और ऐसे जगत से सामान्य लोग डर भी जा सकते हैं। और वो ये बात भी भूल जाती है कि उसका साथी भी इस धरती के सामान्य लोगों के व्यवहार में इतना फंस चुका होता है कि उसको निकालना उसके लिए बहुत बड़ा और भी एक चैलेंज है। ये जानकर भी वो अपने साथी को उस दुनिया के बारे में बताने की कोशिश करने लगती है, जिस पर उसका साथी विश्वास तो बहुत दूर की बात है, उसका ऐसा रूप देखकर ही वो भाग जाने लगता है, क्योंकि वो 3D के चंगुलों में फंसा हुआ होता है। मोह माया, शान शोहरत, पैसा और ना जाने क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने सर पर लेकर वो रखे हुए होते हैं, जिनको छोड़ना उनके लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। फिर इन दोनों आत्माओं को अपना अपना चैलेंज मिलता है। फेमिनिन के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि वो अपने दिव्य पुरुष को अपनी पहचान करा कर रहेगी और जिस काम के लिए वो दोनों इस धरती पर आए हैं उसका एहसास वो उसको दिला कर रहेगी। और मस्कुलिन के लिए ये चैलेंज होता है कि वो अपने 3D वर्ल्ड के सारे कामों को फटाफट निपटा कर वो भी अपने फेमिनिन के साथ जुड़ जाए, ताकि उनका ये जन्म उनके जीवन कार्य को करते करते वो एक दूसरे के साथ रीयूनाइटेड होकर मोक्ष को पा ले। लेकिन ये दोनों चैलेंज इन दोनों आत्माओं के लिए आसान नहीं होते हैं, क्योंकि मस्कुलिन के अंदर उन स्मृतियों को जगाना ये आसान बात नहीं होती है, क्योंकि धरती पर जन्म लेने के बाद ईश्वर के नियमानुसार और यूनिवर्स के नियमों के अनुसार हर आत्मा की स्मृतियाँ नष्ट की जाती है और उन्हें नए स्वरूप में पूरी तरह से कोरा होकर ही इस धरती पर भेजा जाता है। और ऐसे में उन स्मृतियों का स्मरण करना किसी भी आत्मा के लिए आसान बात नहीं होती है और उन्हें याद करना हर आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा असंभव कार्य होता है। लेकिन जो आत्मा जागृत होती है, जो ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाकर आती है, वो आत्मा इस कार्य की जिम्मेदारी खुद पर लेती है और उस कार्य को पूरा करने की अनुमति ईश्वर से लेती है और उसके अनुसार वो दिव्य आत्मा अपने काम में लग जाती है। लेकिन जो आत्मा जागृत नहीं होती है, यानी कि अनवेकन होती है, उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सी शंकाएँ होती हैं और बहुत सी ना छूटने वाली गाठियाँ होती है, जिससे छुटकारा पाना उसके लिए बिल्कुल असंभव सा होता है। जो आत्मा जागृत नहीं होती है, ज़्यादातर मस्कुलिन आत्माएं होती है, तो ऐसी आत्माएं इस सांसारिक जीवन में इतना चिपकी हुई होती है कि वो खुद को कितना भी छुड़ाने की कोशिश करे वो ज़्यादा ही ज़्यादा फंसने लगती है। जैसे मानो किसी दलदल में आप फंसे हुए हैं और उस दलदल से निकलने के लिए आप जितनी ज़्यादा हलचल करेंगे आप उतना ही उसमें फंसते चले जाएंगे। बस ऐसी ही स्थिति हमारे डिवाइन मस्कुलिन की होती है और इसी नज़रिए से वो अपने फेमिनिन को भी देखते हैं। जैसे ही फेमिनिन उनको कुछ बताने के बारे में या अपने जीवन कार्य के बारे में या ईश्वर के संदेश के बारे में उनसे बताने का प्रयास करती है, तो वो उसे अवॉइड करने लगते हैं
उसे बात करना बंद कर देते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, या फिर उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, या फिर उसको अंदर ही अंदर बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मेरी तरफ तुम आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगा अपनी दुनिया को छोड़कर, तुम भी मेरी दुनिया से चली जाओ, और मैं तुम्हें नहीं पहचानता और ना ही पहचानना चाहता हूँ। तो ये उनकी अपनी अंदर की, उनके अंतर आत्मा की बातें होती है जो वो खुद अपने आप से कहने लगते हैं और अपने डिवाइन फेमिनिन को भी बताने लगते हैं। लेकिन ये बातें इन दोनों के बीच में आंतरिक आत्मा से ही होती है, जो किसी के भी समझ में नहीं आती है। लेकिन इन दोनों की आत्माओं को अंतर मन से ये बात पता होती है कि इन दोनों का एक दूसरे के जीवन में मिलने का उद्देश्य कोई साधारण नहीं है, कोई खास ही उद्देश्य इन दोनों का होता है। लेकिन इस आवाज़ को सिर्फ वही आत्मा सुन सकती है जो इस जर्नी में अवेकन होती है, और जो अनवेकन आत्मा होती है वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं सुनती है, बल्कि वो अपने चेतन मन के द्वारा यानी अपने दिमाग के द्वारा वो इस कनेक्शन को देखते हैं, और वो अपने दिमाग से ही इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं जो कि उनके समझ के परे होता है, क्योंकि ये कनेक्शन आत्मिक होता है और डिवाइन मस्कुलिन इसको अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करते हैं जो कि वो नहीं समझ पाते हैं, और उनका चेतन मन, उनका दिमाग उन्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि यह लड़की कोई बहुत बड़ी जादूगरनी है, ज़रूर इसने मुझ पर कोई ऐसा जादू टोना किया है, इसलिए मैं इसकी तरफ इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, वरना मुझे अट्रैक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, ज़रूर इसके पास कुछ है जो मुझे खींच रहा है, ऐसा वो अपने चेतन मन के द्वारा सोचने लगते हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में बहुत सी लड़कियां देखी है, मैं कितनी लड़कियों को जानता हूँ, कितनी औरतें मुझसे फ्रीली बातें करती है, लेकिन ये क्यों मुझे अलग दिख रही है, और ये बिना बात किए मेरे बारे में इतना कैसे जान सकती है, जो मेरे आसपास के लोग भी नहीं जान सकते हैं जो मेरे इतने करीब होते हैं, लेकिन इसको मेरे हर बात के बारे में कैसे पता होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या कहना है, और यहाँ तक कि मेरी क्या मर्जी है, ये भी ये अच्छे से जानती है। और ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे इतना करीब से कैसे जान सकता है, वो सोच में पड़ जाते हैं, और वो सोचने लगते हैं कि मेरी क्या इच्छाएं हैं, ये भी वो जानती है, और वो अपने ही चेतन मन से, अपने ही दिमाग से ये सोचने लगते हैं कि मेरी हर इच्छा के बारे में ये जानती है, और उसी की वजह से उनकी स्थिति इस मामले में और भी गंभीर होने लगती है, वो डिवाइन फेमिनिन को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं और अंदर ही अंदर बीमार होने लगते हैं, और वो बीमारी होती है इश्क की, बेइंतहा मोहब्बत की, बेवजह के प्रेम की, जो निस्वार्थी होता है, बिना किसी रीज़न से उन्हें होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ही सोल का, उनकी ही आत्मा का एक टुकड़ा होता है जो उनको उसकी तरफ नैसर्गिक रूप से खींचे चला जाता है, लेकिन वो अपनी इस बीमारी को छुपाने लगते हैं कि कहीं ये बीमारी किसी को पता ना चल जाए कि मुझे इश्क हो रहा है, मुझे मोहब्बत हो रही है, मुझे प्रेम हो रहा है, मैं किसी के प्यार में अंधा हो रहा हूँ, मैं किसी के प्यार में दीवाना हो रहा हूँ। इन सारी बातों को वो अपने आप से छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने फेमिनिन से छुपाने की कोशिश करते हैं, दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं कि उनको मोहब्बत हो रही है, कहीं ये मेरी मोहब्बत मेरे आँखों के द्वारा किसी को पता ना चले, कि ये मेरी दीवानगी किसी को पता ना चले, इसलिए वो अपने डिवाइन फेमिनिन से भी अपनी आँखें चुराते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी फेमिनिन बिना कुछ कहे उनकी आँखों को पढ़ लेती है, और वो जितना इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो अपने डिवाइन फेमिनिन से भागने लगते हैं, और जितना उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके करीब आने की कोशिश करती है उतना ही उनकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है, उनकी सांसें बढ़ने लगती है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उन्हें घबराहट से होने लगती है, क्योंकि फेमिनिन सामान्य स्त्रियों में से नहीं होती है, इसलिए वो उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वो उससे डरकर भागने लगते हैं कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए, और प्लीज़ तुम अभी मेरे पास मत आओ, और तुम यहाँ से चली जाओ। और वो इतने ज़्यादा गंभीर होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन को ही ये दिखाने लगते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता,
तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है और ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो अपनी ही आत्मा को अपने आप को नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि फेमिनिन उनका ही आत्मा का दूसरा टुकड़ा होता है जिसका एहसास उन्हें नहीं होता है, और इसीलिए वो फेमिनिन से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें स्पेस चाहिए होता है, उन्हें समय चाहिए होता है, और उन्हें स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए ही ये बात डिवाइन फेमिनिन को समझाई जाती है कि उन्हें स्पेस दे, और जो फेमिनिन बहुत ही शांत और बहुत ही हद तक बैलेंस होती है वो आसानी से इस बात को समझ पाती है और उन्हें खुद ही स्पेस देकर चली जाती है। लेकिन जो फेमिनिन जिद्दी होती है, हट्टी होती है, कुछ ज़्यादा ही अशांत होती है, जो इनबैलेंस की अवस्था में होती है, वो यूनिवर्स के समझाने से भी नहीं समझ पाती है। वो सिर्फ अपने साथी को पाने के लिए तड़पती है, फिर जिसकी वजह से यूनिवर्स उन्हें शॉक देकर या अपने ही ट्विन के जरिए, मस्कुलिन के जरिए उन्हें ट्रिगर देकर उनसे अलग करवाया जाता है और सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे वो अलग हो जाए और डीएम से दूर होकर वो ईश्वर के आदेश का पालन करे जो इनर वर्क के माध्यम से उनके ऊपर काम सौंपा जाता है। लेकिन वहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन की सांसें अभी तक शांत नहीं होती हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे मानो किसी ने उनका दिल निकाल कर रख दिया हो, क्योंकि उनकी फेमिनिन उनको सिर्फ दिल से ही बातें करती थी, और इस कनेक्शन में इन दोनों के हार्ट चक्रा को ही ओपन कर दिया जाता है ताकि ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर पाए। हार्ट के द्वारा ही इस कनेक्शन को जोड़ा हुआ होता है, लेकिन मस्कुलिन तो 3D वर्ल्ड से जुड़े होते हैं और वो 3D वर्ड से ही ज़्यादा सोचते हैं कि अच्छा हुआ चली गई, पता नहीं अजीब सी ही थी, लगता था कि किसी अलग ही दुनिया से आई थी। लेकिन जो भी हो, मैं भी उससे प्यार करने लगा था, मुझे भी उसकी हर बात अच्छी लगती थी, जैसे मानो मेरे सपनों की ही मेरी ड्रीम गर्ल हो। मैंने हमेशा ऐसे ही साथी की कामना अपने मन में की थी। उसे देखकर मुझे हमेशा यही एहसास होता था कि जैसे तुम ही हो जिसे मैं खुद ढूंढ रहा था, और तुमसे मिलते ही मुझे वो शांति, वो सुकून मिला जो शायद मुझे अपने जीवन में आज तक कभी नहीं मिला। ये सब बातें वो पल भर के लिए सोचने लगते हैं, और उसके पल में ही वो ये सोचने लगते हैं कि वो लड़की सही नहीं होगी, ज़रूर वो कोई जादू टोना करती होगी जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ खींच रहा था, ज़रूर उसकी मेरे पैसों पर नज़र होगी, वो मुझे अपने जाल में फंसाकर मुझे फंसाना चाहती होगी, या फिर मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे समाज में लज्जित करना चाहती होगी, या कोई उसका और भी मकसद हो सकता है जो मेरे लिए बुरा हो सकता है, और मेरे साथ प्रेम का नाटक करके मुझे फंसाकर मुझसे कुछ पाने का उसका गलत इरादा होगा, या फिर वो मेरी इज्जत को नीलाम करने तो नहीं आई होगी, या फिर ज़रूर मेरा कुछ भला या बुरा करने का उसका इरादा होगा। इस तरह से उनका दिमाग, उनका चेतन मन सोचने लगता है, लेकिन वो अपने अचेतन मन की आवाज़ कभी नहीं सुनते हैं, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ कभी नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी डिवाइन फेमिनिन उनकी हर चीज़ों से, हर बातों से वाकिफ होती है। वो इस बात को भली भांति जानती है कि उसके डिवाइन मस्कुलिन उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वो जो भी सोचते हैं वो बड़ी आसानी से अपने डिवाइन मस्कुलिन की बातें जान सकती है। लेकिन हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन सब कुछ समझते हुए भी वो बिना कुछ कहे ही वो अपने डिवाइन मस्कुलिन के जीवन से हट जाती है और उनको स्पेस देती है और उनको उनके हालात पर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ये ईश्वर का आदेश होता है उसके लिए, और वो किसी भी हालत में अपने ईश्वर के आदेश को इनकार नहीं कर सकती है। इसीलिए वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को बिना कुछ कहे उनके जीवन से दूर हो जाती है और अपने इनर वर्क पर ध्यान देने लगती है, और वो ईमानदारी से ईश्वर के आदेश का पालन करने लगती है। और वहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन अपनी जो भी सोच है डिवाइन फेमिनिन के लिए, वो अपने अंतर मन में उसका एक्सप्लेनेशन अपने आप को देने लगते हैं, और वो अपने आप को दोहराने लगते हैं कि मुझे लगता है कि शायद वो अच्छी थी, क्योंकि उसने मुझे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्यार के लिए ही वो मेरे पास आई थी। फिर उनका माइंड उन्हें ये कहने लगता है कि नहीं, शायद वो बुरी थी इसलिए मुझे उससे डर लगता था, कहीं वो मुझे वंश में ना कर दे, या मेरा कुछ बुरा ना कर दे, या मेरे लिए कोई समस्या ना खड़ी कर दे। लेकिन वो सिर्फ इन्हीं बातों में सुलझे और उलझे रहते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन जो भी हुआ था उनके साथ, वो बहुत बड़ा अजीब सा ड्रामा था, और वो उसके बारे में बहुत ही गंभीर होने लगते हैं अपनी अंतरात्मा में।
लेकिन वो बाहर की दुनिया में ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा तूफान वो अपने अंदर रखकर फिर से अपने 3D वर्ल्ड को संवारने में लगते हैं, जो 3D वर्ल्ड डिवाइन फेमिनिन के आने से पूरी तरह से हिल गया था। लेकिन वो शायद इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि जिसके सिर्फ एक ही झलक से उनका सारा 3D वर्ल्ड हिल गया था, वो कोई साधारण आत्मा नहीं होगी जो उनके जीवन में आई थी, और उस रहस्य तक पहुँचने की बारी अब उनकी होती है, और वो उनके लिए एक रहस्य होता है। और जो डिवाइन मस्कुलिन उस रहस्य तक पहुंच जाते हैं, उनके रियूनियन इस जर्नी में निश्चित ही हो जाते हैं। और इसमें डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स सब उन्हें ब्लेसिंग देते हैं और उन्हें अपने जीवन कार्य को पूरा करने का पूरा मार्गदर्शन भी देते हैं। इस तरह से इन दिव्य आत्माओं का मिलन होता है और इस तरह से उनकी ये जर्नी होती है, जो एक 3D वर्ल्ड के राजा की और एक 5D वर्ल्ड के रानी की कहानी होती है। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।